हेलो माइक टेस्टिंग हेलो वेलकम टू माय 29th वीडियो। आज मैं दोपहर को जिम आई हूँ और मेरा तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, जो कि आवाज आवा इन भाई मेरा तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है जो कि मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। आज मैं ट्रेन कर रही हूँ ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। जो भी लड़कियाँ अभी स्ट्रगल कर रही है ना ग्लूट्स ग्रो करने के लिए, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे किया जाए, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम ग्लूट्स कैसे ग्रो करें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारा डाइट। एक अच्छा खासा हमें बल्क करना पड़ता है तब जाके ग्लूट्स ग्रो करते हैं। और बल्किंग क्या होता है कि तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी अगर तुम लोग इंटेक करते हो तो उसको बल्किंग बोलते हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है वो सारा आप अगर डिटेल में घुसने गए तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। पहली बात ये कि तुम्हारा डाइट। सेकेंड चीज़ आता है वर्कआउट के टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और वो भी राइट फॉर्म के साथ। ऐसा नहीं कि धवाधव दे दिया वजन और उठा लिया नहीं, सही फॉर्म के साथ हैवी वेट उठाओ तो मसल पे लोड पड़ता है और वो ग्रो करते हैं। तो सेकंड चीज आती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फर्स्ट योर डाइट, सेकंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 2-3 महीने में हो जाएगा, भाई सही में साल लग जाते हैं प्रॉपर तुमको जो चाहिए वो बॉडी अचीव करने में। तो बस ये 3 मेन चीज़ है। अब मैं अपना प्री वर्कआउट ले लेती हूँ और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तुरंत, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भीड़ बढ़ती जा रही है आज। गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना, कोई नहीं चलो। I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I buy time with my money. Laugh into the bank cause it's funny, the money keep coming. तो हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अब सबसे पहले वर्कआउट पे जाते हैं जो कि है सुमो डेडलिफ्ट। आई थिंक मैंने जब से जिम करना स्टार्ट किया ना तभी से मैं लेग्स और नेक, मतलब नहीं नहीं क्या बोल रही हूँ मैं क्वाड अलग से ट्रेन करती हूँ, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग अलग से ट्रेन करती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं एकदम इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर पाती हूँ अगर मैं पूरा लोअर बॉडी एक ही साथ एक ही दिन पर ट्रेन करूँ, तो तभी से मैं अलग अलग ट्रेन करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना सुमो डेडलिफ्ट करना तब मेरे को ये कभी भी अपने मसल में फील होता ही नहीं था, लेकिन फिर ना एक एक्सपीरियंस के बाद ही तुम्हारे बॉडी में वो चीज़ आती है कैसे सुमो डेडलिफ्ट को सिर्फ अपने ग्लूट्स में फील करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब तुम लोग सुमो डेडलिफ्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम अपने ग्लूट्स को पीछे की ओर फेंको। हमें ये ऐसे सीधे सीधे नहीं उठाना है, हमें हमारे ग्लूट्स को पीछे फेंकना है, तभी जाके वो हमारे ग्लूट्स में फील होगा। ये हमने जाने दिया पीछे, ऊपर आते टाइम स्क्वीज करना है। सुमो डेडलिफ्ट खत्म करने के बाद हम लोग करेंगे हिप थ्रस्ट। ये हिप थ्रस्ट का मशीन है पूरा, अगर तुम्हारे जिम में ये मशीन नहीं है तो कुछ नहीं, गरीब हो तुम। पहले करती थी ना बारबेल पे प्लेट्स लगा के, इतना टाइम कंज्यूमिंग, पूरा सेटअप करो प्लेट्स जाके वापस से रिरैक करो, बहुत टाइम बिगड़ता था मेरा, टाइम सेवियर। I'm never tired, I'll be pushing till I'm finally free. I was made to break away from the pack, to challenge, to fight and to carve my own path. This world wasn't hip thrust mein bhi apni feet placement aisi rakho ki tumhe tumhare glutes mein feel ho. Zyada agar aage rakh diya to tumhare hamstring pe aayega, zyada piche rakh diya to tumhare quads pe aayega. 90 degree angle bana ke set karo apne feet ko, jisse wo pura tumhare glutes mein feel ho aur koi jagah pe nahi. डोंट मेक आई कॉन्टेक्ट विद एनी वन। हम लोग जब नीचे जाएंगे तो स्लो जाएंगे, जब ऊपर आएंगे तो 1-2 सेकेंड का होल्ड देंगे, ठीक है, जिससे अच्छे से ना एकदम मसल पे आए और तुम्हारा मसल एकदम स्क्वीज हो। I work every day, I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I buy time with my money. Laugh into the bank cause it's funny, the money keep coming, I manifest it. तो हिप थ्रस्ट भी हमने ख़त्म कर लिए हैं, अब थर्ड वर्कआउट पे आएंगे जो कि है आरडीएल।
ये अगर तुम लोग को इसका राइट फॉर्म पता चल जाए ना, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है ग्लूट्स के लिए। तो चलो करते हैं। ओके, तो आरडीएल का राइट फॉर्म कैसे अचीव करें? सबसे पहले तो आएगा तुम्हारा फीट प्लेसमेंट। इसको ज्यादा बाहर भी नहीं रखना, ज्यादा अंदर भी नहीं रखना, शोल्डर विद अपार्ट रखना है और हल्के से बाहर की ओर। सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि तुम्हारा जो चिन है वो अंदर रहना चाहिए, ठीक है, और हिप्स को बाहर की ओर फेंकना है। आरडीएल खत्म करने के बाद हम लोग करेंगे सुमो स्क्वाट्स। इतने जोर जोर से गाने बज रहे हैं ना आज। सुमो स्क्वाट्स हो गए हमारे खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सीटेड लेग कर्ल और डंबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसकी मैंने एक रील भी डाली थी जिसका मैंने सुपर सेट दिखाया था ये दो चीज का, तो हम आज वो ही परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मैं काफ ट्रेन करती हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर तुम गॉड गिफ्टेड हो तो मत ट्रेन करो। मैं बदनसीब हूँ तो मेरे को वीक में दो बार ही ट्रेन करना पड़ता है। मास्टर हूँ मास्टर। चल चलाई ले। तने तो आवडती दही का दिल्ली माया गला। ओ भाई बर्फी लाइट ले। तो हमारा वर्कआउट हो चुका है खत्म और अभी हम लोग आए हैं नारियल पानी पीने, क्योंकि बोल बोल क्यों क्यों रुक जा, अभी इसका नॉलेज सुन। क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रहा है ब्रो, फोड़ा नहीं करना है बड़ा वहाँ। टेस्टी वायर टेस्टी तो गुलाब जामुन ही हुआ है। गुलाब जामुन में तो ना हाइड्रेशन बढ़ो, ये तो ना तारा मसल में क्रैम्प ना आवा दे ब्रो। ते कदी एनो रसो पीतो है तो ना फुल हाइड्रेशन मड़ी जैसो, फुल शुगर हम चाट दे एनर्जी पीक पर जैसो सीधो। तू मधुमक्खी छ सनरूफ छ मार गाड़ी में। अब पादन तो फटाफट हम कर इंश्योरेंस ले लिया मानो। यू नी ब्रो यू नो एती चुटू करवाना जस्ट इमेजिन एज टाइम है कबूतर आवतो है ना, कबूतर भी छोड़े ना तू है छोड़े तो उड़े ना नु बे संग ये मारे गैस छूटता है बे संग बे संग અહીંયા થી મારા ગેસ છૂટતો હોય કબૂતર ની જરા ગાય રહ્યો મારા ગેસ છૂટે એટલે ઓલું ઉછડી નામ જતું રહે ના મારું પૈસે સાથે છૂટે ફાઉન્ટેન એટલે તો કહું છું ફાઉન્ટેન આમ થઈ જાય આમ થઈ જાય No, I'm uchidi jai. No, yeah. Okay. Thank you. Yeah. Jo ho jamana me mera. Isan to me. Past. The end react. Aban kar. You, literally. मैंने क्या बोला था अभी ऊपर से और एग्जिट वहीं पे है, एग्जिट वहीं पे। और इसने ही आइडिया दिया कि ऐसे उल्टे होके छोड़। वो इतने तू करे से आप देख रहे हो, मतलब इसकी एक्टिंग देखो, ये खुद वो करती है और अभी वीडियो में बोल रही है कैसा गी। ओ अबे कोई यूं करतू है तभी मैं सोचूं, ये स्टार्टिंग से बोल रही थी कि मुझे अगर कार लेनी है ना तो ये सनरूफ वाली ही लेनी है, ये रीजन था सनरूफ वाली लेने का। बार खंकर बार खंकर बार हाथ
तो घर बोला हो तेरे से 10 मिनट थे ही तो लाइस किट लो आखो मूड लिए कुछ वालू पैदा कर लाओ चलना राई बना फूल खाई जीव पेट मारू ये गया तारा हेडफोन मुझे एक चीज सिर्फ बोलनी थी नहीं कि अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है ना तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग भी अगर यहाँ तक देख रहे हैं ना तो कमेंट में स्पैम मारो कि ईशानी रेगुलर व्लॉगिंग चालू कर दे ब्रो स्पैम करो कमेंट में ऐसा आना चाहिए कि ईशानी अभी तेरा व्लॉगिंग चालू हो जाना चाहिए रेगुलर व्लॉग डालो सैटरडे डाल रहे थे रेगुलर कर दो क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद ये व्लॉग शूट करती है तो तुम्हारा शायद थोड़ा सा ऐसा स्पार्क रहेगा ना पुश करते रहोगे तो शायद ये कर देगी मुझे सिर्फ इतना बता दो आप लोगों ने व्लॉग देखना स्टार्ट किया जब भी मैं आया मैं एंटर हुआ तभी आपको थोड़ी हंसी मुसी आई ना हंसी मुसी व्हाट इज हंसी मुसी आने क्या हुआ फनी दिस इज फनी ब्रो ये तो हूँ तो इतने ये तो तुम ऐसे ही देख रहे थे ना शांति से भाई मारो फनी लोगों ने समझ नहीं आती भाई मना बोली बोली क्या था चलो बंद करो देख लिया ना रियलिटी तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं आई होप आप लोग को मजा आया होगा अभी मुझे थोड़ा सामान लेने जाना है इसको भी घर जाना है तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हाँ बोल दे हाँ ओके बाय